ये सब मेरा पुराना संबंध है। आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं बिहार में। उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए। उन्होंने हमको फोन किया था कि अच्छा काम किए हो, तो हम उससे मिल करके जा रहे हैं। अगले नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्ष के सभी दलों को एक साथ एक मंच पर लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मिशन ये है कि किसी कीमत पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी दोबारा वापस नहीं। तमाम तरह के हमले बोले जा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि सभी दलों को एक साथ लाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार बीते सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर जाने के साथ ही नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके साथ साथ वहां पर एचडी देवगौड़ा समेत कई बड़े नेताओं से उनकी देर रात तक मुलाकात चलती रही, लेकिन आज का दिन तो नीतीश कुमार के नाम एक नया रिकॉर्ड है। दरअसल नीतीश कुमार ने एक दिन में कई बड़े नेताओं से इतनी बार मुलाकात नहीं की होगी। नीतीश कुमार बिल्कुल पूरी तरीके से अब जो है चुनावी दंगल में है, ऐसा लग रहा है, और नीतीश कुमार हर दल को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार खुद को लगातार जो है पीएम फेस के तौर पर दिखाने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश जदयू इसी तौर पर दिख रही है। तो आज दिन भर क्या हुआ दिल्ली, शुरुआत करते हैं दिन भर की उन मीटिंग्स के साथ जो आज सुर्खियों में थी, यानी कि सीताराम येचुरी से मिले सबसे पहले नीतीश कुमार, उसके बाद जो है वो मिले डी रजा से। सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात जो दिन के 11:30 बजे हुई, जो कि सीपीएम के बड़े नेता हैं। डी रजा से दोपहर के 12:15 पर मिले, जो कि सीपीआई के बड़े नेता हैं। अरविंद केजरीवाल से दोपहर 1:30 पर मिले, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद वो मिले ओम प्रकाश चौटाला से 4:00, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख हैं। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से 5:00 मिले। अब इन पांचों नेताओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कौन से 5 बड़े बयान दिए, उनके 5 कौन से बड़े इशारे हैं, एक साथ सुनवाते हैं। जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे, ये सब मेरा पुराना संबंध है। आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं बिहार में। तरह तरह की बात बोलते रहता है, तो उसको बोलिए ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन, गलत बात है ना। तो कोई बोलता है तो बोलने ना दीजिए उसको, के प्रति सम्मान का भाव है, इसीलिए उनसे मिलने आए। उन्होंने हमको फोन किया था कि अच्छा काम किए हो, तो हम उससे मिल करके जा रहे हैं, कोई और बात नहीं है। तब तो आए थे, तबीयत खराब है, देखने के लिए हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है हम लोगों का, सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी, क्या चर्चा सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे। जल अगले जी, क्या बात हुई नीतीश जी के साथ, आपने बोल दिया।